श्रीलंका में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष पत्रकार परिषद का वडोदरा में आयोजन किया गया, जिसमें भारत के लोगों को श्रीलंका के विजिट के लिए आमंत्रित किया गया। मध्य प्रदेश और गुजरात से ज्यादा प्रवासियों को आकर्षित करने के लिए श्रीलंका टूरिज्म प्रमोशन ब्यूरो और श्रीलंका कन्वेंशन ब्यूरो रोड शो का आयोजन कर रहे हैं और लोगों को श्रीलंका के टूरिज्म के बारे में जानकारी देते हुए श्रीलंका आने का आमंत्रण भी दे रहे हैं। 2024 के 4 महीनों में बड़ी संख्या में सैलानी श्रीलंका के प्रवास के लिए पहुंच चुके हैं और आने वाले महीनों में भी ज्यादा से ज्यादा लोगों को श्रीलंका आने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। इससे भारत और श्रीलंका के आपसी संबंधों को भी मजबूती मिलेगी। Who are travel agents and hoteliers visiting the two-tier cities? I know Gujarat is an important state and there's a huge movement from Gujarat. So we are here to say, please come to Sri Lanka and experience a diverse, compact, authentic destination. Sri Lanka Tourism डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म ने बड़ौदा में आज उनका रोड शो किया है और ये इसीलिए किया है कि गुजरात में सबसे ज़्यादा लोग जाते हैं वो अहमदाबाद एंड सेकंड इज़ अहमदाबाद सूरत आते हैं। तो हमारे यहाँ B2B बिजनेस में इन्होंने ये रोड शो किया है। 44 लोग यहाँ आए हुए हैं, लोकल टूर ऑपरेटर एंड होटेलियर एंड श्रीलंकन एयरलाइन ऑल्सो। तो वो लोग यहाँ हमारे वडोदरा ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन जो है हमारा, उसमें से 150 से 200 लोगों के साथ ये मीटिंग करेंगे और अपना इंटरेक्ट करेंगे और नए क्या डेस्टिनेशन है, क्या पैकेजेज है, उसका डिस्कशन करके ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम श्रीलंका भेजें ऐसा ट्राई करेंगे।